Let us look at the provision on how do we tax a non-resident Indian. Now, a non-resident Indian basically is a person who has a better Indian connection than a foreign citizen. They are more attached to the country, and therefore, when they go out and they work and they earn, in many cases, you find that they invest in back into the country. Now, it could be even an investment. या फिर ये हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए पैसा भेज रहे हो. ये जो पैसा होता है, जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये इंडिया में लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है, बिकॉज दोज पीपल वॉन्ट टू इन्वेस्ट बैक इन टू द कंट्री और सेंड द मनी बैक टू द कंट्री टू ओन सम एसेट्स एंड ऑल, और मे बी एट सम पॉइंट इन टाइम टू कम बैक एंड सेटल इन टू द कंट्री. सो एवरी गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड ट्राइज टू इंश्योर that the people who are belonging to that country and who have gone out, if they want to invest into the country, they get some benefits. In line with this, in the Income Tax Act 1961, there is a special provision, a complete chapter, which is dedicated to the taxation of a non-resident Indian, or an NRI as we call them. In the next few slides, I am going to discuss these chapters with you and explain what exactly is this taxation all about. So the first thing is, what does this chapter covers? Special provisions prescribed under chapter 12A. Agar koi non-resident Indian hai, jo NRI hai, jo kisi foreign exchange asset mein India mein invest karta hai, uske liye ye provisions hai. Chapter 12A contains section 115C, 115D, E, F, G, H and I. ये सात सेक्शन जो हैं वो चैप्टर 12A में कंटेंड है. बट ये किसको कवर करते हैं? The provisions of chapter 12A would be applicable to a non-resident Indian, NRI. Is it applicable to every NRI? Or only for particular stream of income? ये उन non-residents के लिए applicable हैं जो who derive investment income and या or long-term capital gains in respect of them. मान लीजिए आपने एक company में shares में invest किया या किसी deposit में invest किया, तो जब share से आपको dividend मिला या डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट मिला, ये तो हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम. जब आपने इन चीजों को सेल किया, तब आपका हो गया कैपिटल गेन. चैप्टर 12A में बोथ द इन्वेस्टमेंट इनकम एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नोट इट इज ओनली द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज मेंशनड हियर, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस पर्पज के लिए इंक्लूडेड नहीं है. सो लेट अस सी what these sections cover. सात section है जो हम cover करेंगे. इनमें से पहला section है 115C, जो define करता है कुछ terms को कि NRI का मतलब क्या है, foreign exchange asset का मतलब क्या है. 115D में वो provision जो special हैं और non-resident Indian के लिए applicable हैं वो defined है. इन provisions में जो income covered है उनके ऊपर tax rate क्या लगेगा वो section 115E में covered है. कुछ एग्जेम्पशंस जो नॉन रेजिडेंट को मिली हुई हैं वो 115F में कवर्ड हैं. 115G में अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, NRI है, जिसकी केवल यही दोनों इनकम होती है और कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो रिटर्न भी फाइल ना करे. 115H में ऑप्शन टू कंटिन्यू बीइंग गवर्न्ड बाय दिस चैप्टर. एक बंदा NRI था, कुछ सालों बाद वो रेजिडेंट हो गया, ही मूव टू अ फॉरेन कंट्री एंड केम बैक. अब उसने NRI बनके कुछ चीजों में इन्वेस्ट किया था, क्या ये बेनिफिट जो उसको अदरवाइज मिलता था एज NRI वो कंटिन्यू करेगा या नहीं? अगर करेगा तो क्या उसके पास ये ऑप्शन है उसे कंटिन्यू करने का, या मैंडेटरी है उसके लिए कि वो इन प्रोविजन को ऑप्ट करे? वो 115H में कवर्ड है. और जब आप रेजिडेंट बनते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर कंपल्सरीली रहो, आप इससे ऑप्ट आउट भी कर सकते हो,
कि भाई मुझे नॉर्मल प्रोविजन से ही गवर्न होना है. सो यू कैन ऑप्टिंग आउट फ्रॉम दिस चैप्टर. ये सारे प्रोविजंस हैं जो हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉट व्हाट, हु इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन. अ नॉन रेजिडेंट इंडियन मीन्स एन इंडिविजुअल. ऑब्वियसली इट हैज टू बी एप्लीकेबल ओनली फॉर एन इंडिविजुअल बींग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. आप अगर एक इंडिविजुअल हो एंड देन ईदर यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट, हु इज नॉट अ रेजिडेंट. वो इंडिविजुअल जो रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट नहीं है, बट या तो सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है. तो अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये जाके यूएस में सेटल हो गए, ही कॉन्टिन्यूड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही डिडंट गिव अप हिज सिटीजनशिप इन इंडिया, बट बिकॉज ही हैज बीन लिविंग इन यूएस फॉर द लास्ट 5 years, ही बिकेम अ नॉन रेजिडेंट. ही वॉज नॉट अ रेजिडेंट, ही मे बी अ एनआरआई. अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही, मतलब एक्स, और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, एक्स के दोनों पेरेंट्स में से कोई भी, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. इनमें से अगर कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ था तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम. इन्वेस्टमेंट इनकम मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव है, यही है, और इसके अलावा कुछ और होगा तो नहीं कवर होगा. एनी इनकम डिराइव्ड अदर देन डिविडेंड्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 115O. अगर आपको कोई भी इनकम मिलती है अदर देन दोज विच आर रेफर्ड टू इन सेक्शन 115O, ये डिविडेंड बेसिकली वो होते हैं जो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होते हैं. फ्रॉम अ फॉरेन एक्सचेंज एसेट, मतलब अगर NRI ने किसी फॉरेन एक्सचेंज एसेट में इन्वेस्ट किया, इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, राइट. इससे इसको कोई भी इनकम अगर डिराइव होती है, एनी इनकम दैट इज डिराइव फ्रॉम सच अ फॉरेन एक्सचेंज एसेट इज द इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, राइट. सो लेट अस लुक एट व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज एसेट. हमने कहा NRI ने फॉरेन एक्सचेंज एसेट में इन्वेस्ट किया. अब इसका मतलब क्या होता है, मेरे को ये पता चल गया कि NRI इन्वेस्ट करना चाहिए, NRI का मीनिंग मुझे पता चल गया. व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज एसेट. फॉरेन एक्सचेंज एसेट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड एसेट्स, मतलब इनमें से कोई भी ए टू ई में से कोई भी एसेट हमारा कवर्ड होगा एज अ स्पेसिफाइड एसेट विच द असेसी हैज एक्वायर्ड और सब्सक्राइब टू. मतलब एक्वायर्ड कब होगा, मान लिए इस NRI ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से या किसी रेजिडेंट से ये खरीदा है, या अगर मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी थी, इसने इस इंडियन कंपनी में शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं. सो ईदर वेदर यू एक्वायर इट और यू सब्सक्राइब टू इट, बोथ ऑफ देम आर कवर्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज. कंडीशन क्या है, अगर आप ये शेयर्स में सब्सक्राइब करें तो जो इंडिया में पैसा आ रहा है दैट शुड कम इन टू इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, राइट. अब आप क्या क्या खरीद सकते हैं, ऑब्वियसली शेयर्स तो मैंने आपको बता ही दिया, शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, डिबेंचर्स इश्यूड बाय एन इंडियन कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. अगर एक इंडियन कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, इसने कोई डिबेंचर इशू किए हैं और NRI ने सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन अगेन किस चीज़ में, फॉरेन करेंसी में, डिपॉजिट्स विद एन इंडियन पब्लिक कंपनी, किसी इंडियन पब्लिक कंपनी में आपने कोई डिपॉजिट किए हैं. अब देखिए डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, डिपॉजिट विद एन इंडियन पब्लिक कंपनी, एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है इस क्लॉज के लिए, या सच अदर एसेट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और ऐसे एसेट होते हैं जो स्पेसिफाई करती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, देन दोज विल बी कवर्ड. सो व्हाट आर द कंडीशन, इट मींस इट हैज टू बी वन ऑफ द स्पेसिफाइड एसेट, कंडीशन वन. सेकंड, असेसी ने या तो एक्वायर किए हो या सब्सक्राइब किए हो, किस चीज़ में, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में.
अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो फॉरेन एक्सचेंज एसेट क्वालिफाई करेगा। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? ये काफी सिंपल है। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन एक्सचेंज विच इज फॉर द टाइम बीइंग ट्रीटेड बाय आरबीआई। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज जिसको आरबीआई ट्रीट करता है एज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ फेमा 99 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। इफ द आरबीआई ट्रीट्स अ पर्टिकुलर करेंसी राइट एज अ फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा 99 और रूल्स विच आर मेड देयर अंडर देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का मतलब क्या है? नाउ अगेन दीज प्रोविजन्स आर एप्लीकेबल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन्स इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स रिलेटिंग टू अ कैपिटल एसेट बींग अ फॉरन एक्सचेंज एसेट विच इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मतलब अगर आपने एक एनआरआई ने किसी एसेट में इन्वेस्ट किया है, इस एसेट को आपने फॉरेन एक्सचेंज में, ये दिस शुड क्वालिफाई एज अ फॉरेन एक्सचेंज एसेट। सेकंड, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। अगर शॉर्ट टर्म होगा तो ऑब्वियसली यहां पर तो कवर होगा ही नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। बट लॉन्ग टर्म होने के बाद भी जरूरी है कि वो फॉरेन एक्सचेंज एसेट हो। फॉरेन एक्सचेंज एसेट कब होगा? जो हमने पिछले स्लाइड पे इसकी डेफिनेशन देखी थी। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन सेक्शन 115D डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब जब आप इनकम कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, उस टाइम क्या आप किसी खर्चे का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? नहीं, लेट अस सी दैट। या फिर चैप्टर 6 से यानी सेक्शन 80 की डिडक्शंस उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं? नहीं, लेट अस सी दैट। नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस। नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ एनआरआई। जब आप एनआरआई की इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तब उस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई भी खर्चा या अलाउंस नहीं मिलेगा। सेकेंड, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इफ यू रिकॉल इवन इन अ केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, जब हम सेक्शन 48 का प्रोविजो देखते रहे थे, वहां पर भी कोई इंडेक्सेशन उनको नहीं मिलता राइट एंड नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम कंसिस्ट्स ओनली ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बोथ। अब एक एनआरआई की इनकम में इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकते हैं जो इस सेक्शन में कवर्ड है, और बाकी कोई भी और तीसरी इनकम हो सकती है। अगर एक एनआरआई की इनकम में सिर्फ ये दोनों हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो इस सेक्शन में कवर्ड है, देन एक कवर्ड है या दोनों कवर्ड है, देन नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द एसएससी अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A में आपको वो सेक्शन 80C वगैरह और वो सारे डिडक्शंस मिलती हैं, वो आपको नहीं मिलेंगी। एंड द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में यही आती है कि इंडेक्सेशन मिलेगा राइट। बट जहां तक बात एनआरआई की है, वहां पर अगर आप इस चैप्टर का बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, देन द इंडेक्सेशन बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल टू यू। सो नाउ व्हाट विल बी द टैक्स रेट? लाइक आई टोल्ड यू, दिस टैक्स रेट इज एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस ऑफ एनआरआईज। लाइक आई टोल्ड यू, एन एनआरआई कैन हैव थ्री टाइप ऑफ इनकम: इन्वेस्टमेंट इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एनी अदर इनकम। इन सो फार एज द इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एसेट इज कंसर्न्ड, इस पे आपका टैक्स 20% लगेगा। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या कुछ इस तरह की इनकम और आ रही है, उस पे आपको टैक्स जो है वो 20% लगेगा। इसके ऊपर आप सरचार्ज और सेस ऐड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्लैब ऑफ द नॉन एनआरआई। इफ देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, उस पे आपका टैक्स लगेगा 10%। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इसमें कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A नहीं मिलेगा,
इन दोनों केसेस में। बट अगर इसके अलावा कोई भी टोटल इनकम में और कोई इनकम है एनआरआई की, उस इनकम पे जो नॉर्मल टैक्स रेट आपका लगता है वो टैक्स रेट आपका लगेगा। इन दोनों पे स्पेशल रेट है, इस पे नॉर्मल रेट है। जो भी एक इंडिविजुअल के केस में नॉर्मल टैक्स फॉर इंडिविजुअल विल बी एप्लीकेबल, राइट? नाउ एग्जेम्पशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब आप एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, उस एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो एक एनआरआई को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वो सेक्शन 115F में दिया हुआ है। फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड बाय द असेसी इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, लेट अस डिस्कस देम। असेसी शुड बी अ नॉन रेजिडेंट इंडियन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कैपिटल एसेट। जब आप ये कैपिटल एसेट बेच रहे हैं, कौन सा कैपिटल एसेट? वो स्पेसिफाइड एसेट जिनकी हमने पहले बात की थी, उस टाइम पे आपका एनआरआई होना जरूरी है। आप 2 साल पहले एनआरआई थे, डजेंट मैटर, जिस टाइम आप बेच रहे हो उस टाइम एनआरआई होना जरूरी है। लेकिन इसमें एक ग्रैंडफादरिंग का ऑप्शन होता है जो हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। मतलब अगर कोई एनआरआई बाद में रेजिडेंट बन जाता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो इनके रिस्पेक्ट में सेम प्रोविजन कंटिन्यू कर सकता है। अगर आप कंटिन्यू करते हो देन दिस माइट बी डिफरेंट, बट अदरवाइज एज अ जनरल रूल यू शुड बी अ नॉन रेजिडेंट इंडियन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कैपिटल एसेट। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स शुड अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द फॉरन एक्सचेंज एसेट। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है किससे? उस एसेट को बेचने से जो आपने फॉरेन एक्सचेंज में एक्वायर किया था। एंड थर्ड, द एसएससी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ सच ट्रांसफर इन्वेस्टेड द होल और एनी पार्ट ऑफ द नेट कंसिडरेशन। मतलब जो भी आपको नेट पैसा मिला इस एसेट को बेचने पर, सेल्स कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जैसे ब्रोकरेज वगैरह हो गया, इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट। यू सोल्ड इट एंड यू इन्वेस्टेड इट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच इज शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी, डिबेंचर इशूड बाय अ पब्लिक इंडियन कंपनी, डिपॉजिट विद एन इंडियन पब्लिक कंपनी, एनी सिक्योरिटी ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6 एंड 7। इनमें से कोई भी अगर आप एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, सो मतलब अगर आपने 31/17 को एसेट बेचा तो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सच ट्रांसफर यू हैव टू इन्वेस्ट दिस कंसिडरेशन। इट इज नॉट फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इट इज विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्रांसफर। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। कितनी मिलेगी एग्जेम्पशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? वेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नेट कंसिडरेशन। मान लीजिए आपका 5 लाख का एसेट था, आपने 50,000 रुपये इसके एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हो गए, तो आपकी नेट कंसिडरेशन कितनी हुई? 4,50,000। अगर जो आप नया एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है 4,50,000 या उससे ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू नेट कंसिडरेशन, द होल ऑफ कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट। पूरा का पूरा जो ये आपका कैपिटल गेन है, मतलब ये नेट कंसिडरेशन अगर आपने, सो लेट अस एक्सटेंड दिस आर्ग्यूमेंट फर्दर। मान लीजिए ये 5 लाख का आपका एसेट था, ठीक है, इस पे कैपिटल गेन आपका 2 लाख रुपए का है। अगर आपने 4.5 का 4.5 इन्वेस्ट कर दिया, 4,50,000 इन्वेस्ट कर दिया, देन द एंटायर गेन विल बी एग्जेम्प्ट, द एग्जेम्पशन विल बी 2 लाख। बट वेयर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू एसेट इज लेस देन नेट कंसिडरेशन, सपोज जो आपने नया एसेट एक्वायर किया दैट इज फॉर 3,50,000, राइट, देन द एग्जेम्पशन शैल बी कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। कैपिटल गेन्स कितना है? 2 लाख का हमने कहा था कैपिटल गेन है, इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 3,50,000 डिवाइडेड बाई नेट कंसिडरेशन 4,50,000। मीन्स कैपिटल गेन प्रपोर्शनेटली एग्जेम्प्ट हुआ, किस प्रपोर्शन में? जो नेट कंसिडरेशन था और जो नए कॉस्ट का एक्विजिशन का एसेट का इन्वेस्टमेंट था। विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट।
अब मान लीजिए आपने इन्वेस्ट तो पूरा का पूरा कर दिया और आपने 2 लाख रुपए की कैपिटल गेन एग्जेम्पशन क्लेम कर ली, ठीक है। एक साल बाद यू सोल्ड दिस एसेट, विल दैट इंपैक्ट दिस एग्जेम्पशन? दैट इज व्हाट इज कवर्ड इन दिस लाइन। वेयर द न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड, बेच दिया आपने, और कन्वर्टेड इन टू मनी, मतलब आपने या तो एसेट बेच दिया या उसे पैसे में कन्वर्ट कर लिया, बेचा नहीं बट पैसे में कन्वर्ट कर लिया, अदरवाइज देन बाय ट्रांसफर। जैसे आपने लिटरली किसी को प्लेज कर दिए शेयर्स और बोला कि जैसे ये 3 साल पूरे होंगे या जो भी एग्जेम्पशन का पीरियड है वो पूरा होगा, सेम डे मैं आपको ये दे दूंगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। सपोज आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि 31/17 को आपने एसेट सेल कर दिया, इन्वेस्ट करना था आपको कब तक? 6 महीने तक, यानी लेट्स से 29/7/17 तक। मान लीजिए आपने 31 मार्च को नया एसेट परचेज कर लिया, जिस दिन आपने एसेट परचेज करा है, अगर उसके 3 साल के अंदर आपने इसको बेच दिया या मनी में कन्वर्ट कर लिया, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड ऑन ओरिजिनल एसेट, यानी जो भी आपको एग्जेम्पशन इस एसेट पे मिली थी विच वॉज 2 लाख, शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच द न्यू ट्रा एसेट इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इन टू मनी। मतलब अगर सपोज आपने इसको बेच दिया 1/5/2018 में, ये कौन सा फाइनेंशियल हुआ? 18/19 फाइनेंशियल ईयर। उस केस में ये इनकम कब की हो जाएगी? इट शुड बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच द न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू मनी, यानी फाइनेंशियल ईयर 18/19 की ये इनकम हो जाएगी। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन। मिस्टर जेम्स, अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, एक्वायर्ड 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2014 एट 10 per share बाई यूटिलाइजिंग फॉरन करेंसी। 1/1/2014 को ही एक्वायर्ड 10 per share 50,000, यानी 5 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। दी शेयर्स आर सोल्ड ऑन 33/2017 एट 30 per share। 33/17 को आपने शेयर्स बेच दिए एट 30 per share, यानी टोटल इनकम कितनी हो गई? 15 लाख। ब्रोकरेज एट द रेट 1 per share इज पेड ऑन सेल ऑफ दीज शेयर्स। हाउ मच इज द ब्रोकरेज? 50,000। ही परचेज 1,45,000 शेयर्स एट 10 per share ऑन May 1, 2017। एनालाइज द टैक्स इम्प्लिकेशंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू एक्वायर्ड दिस डिड यू यूज फॉरेन करेंसी और नॉट? सो इट इज गिवन दैट दी शेयर्स वर एक्वायर्ड यूजिंग फॉरेन करेंसी। वेरी गुड। देन व्हाट वाज द सेल प्राइस? 15 लाख। ब्रोकरेज इज 50,000। सो व्हाट इज द नेट कंसिडरेशन? नेट कंसिडरेशन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर विच इज 14,50,000। How much did he invest into the new shares? 1,45,000 into 10, or in other words, 14,50,000 he invested to buy the new shares, which means the entire net consideration has been invested to purchase the new shares. Analyze tax implication. Now, since he is a NRI, he can opt for the provisions relating to section or chapter 12A. Chapter 12A ko agar opt karte hain to kya hoga? Ye long term capital gain hai. क्यों? बिकॉज द पीरियड ऑफ ट्रांसफर और द डेट पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्चुअली इज अराउंड 39 मंथ्स, विच मीन्स कि जो ये गेन हुए हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कितना गेन है? 14,50,000 माइनस 5 लाख और 9,50,000, राइट? सो या तो आप इसमें ऑप्ट कर लीजिए। अब आपका गेन था, आपने पूरा का पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब ये गेन जो है एग्जेम्प्ट हो जाएंगे टैक्स से। कब ये एप्लीकेबल है? क्योंकि मैंने इस केस में कोई इंडेक्सेशन नहीं किया। आपने एक चीज नोट करी होगी, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, फिर भी जब मैंने गेन निकाला विच इज 9,50,000
I did not index the cost of acquisition, right? I think the same thing we can look at here, which is the sale consideration is 50,000 into 30, 15 lakh. Brokerage 50,000, which means that the net consideration is 14 lakh 50,000. The cost of acquisition is 50,000 into 10, 5 lakh. Note 1, what does note 1 refers? Note 1 only says that benefit of indexation is not available under chapter 12A. So, jo bhi cost of acquisition tha, maine as it is le liya. Capital gains kitna hoga? 1450 net consideration minus 5 lakh, 9 lakh 50,000. Exemption kitni hogi? Kyunki sari ki sari sale proceeds ya net consideration jo thi, maine invest kar di naye shares acquire karne mein. Isliye pura ka pura capital gain exempt ho jayega. James is entitled to full exemption from capital gain under section 115F as he has invested the entire net consideration of 14,50,000 for investment in new shares. Right? Let's look at another variation of this question. Discuss the tax implication in the previous example, assuming Mr. James had purchased only 1 lakh preference shares at 10 per share for the purpose of investing sale consideration. Yani out of 14,50,000, he invested only 10 lakh. Jab consideration kam hoti hai, toh kaise calculation hoti hai? Kaise hoti hai? Aap ye dekhte hain ki kitna invest kiya, kitna net consideration tha, aur isko multiply kar dete hain kisse? Capital gain se. Further, Mr. James has sold such 1 lakh shares on April 30, 2018. Whether this would have any tax implication? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि उसको एग्जेम्पशन मिली या नहीं मिली, कितनी मिली, और अगर अगले साल उसने वो शेयर्स बेच दिए तो उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. जैसा मैंने आपसे कहा था, पहले नेट कंसिडरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 14,50,000, कैपिटल गेन मेरा 950 था. जो एग्जेम्पशन है वो मुझे कैसे मिलेगी? द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल एज कैपिटल गेन. हाउ मच वॉज द कैपिटल गेन? 950,000 इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट. 1 लाख शेयर मैंने 10 रुपीज़ के हिसाब से परचेज किए, तो 10 लाख इज द टोटल कंसिडरेशन, डिवाइड बाई नेट कंसिडरेशन विच इज 14,50,000. वेन यू सॉल्व दिस यू गेट एन एग्जेम्पशन ऑफ 655,172 एंड द बैलेंस कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, अज्यूमिंग अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड टू यू इज कि अगर ये शेयर्स आप एक साल के अंदर, ही सोल्ड दी शेयर्स इन 2018, राइट, सिंस ही हैज सोल्ड दी शेयर्स विद इन 3 इयर्स, द एग्जेम्पशन ही गॉट फॉर कैपिटल गेन विल बी विथड्रॉन एंड दिस अमाउंट विल बी टैक्स्ड एज इनकम इन द ईयर व्हेन द ट्रांसफर टुक प्लेस, राइट. सो इफेक्टिवली since he had sold it on April 30, 2018, during the previous year 18-19, he will have to pay taxes on such income. This is previous year, right? So whatever was exempted in 17-18 will be taxable in the previous year 18-19. Exemption from filing of return of income. So it shall not be necessary, this is given in section 115G. It shall not be necessary for an NRI to furnish return of income under section 139(1) if, matlab is NRI ko zarurat nahi hai ki wo return bhi file kare, agar total income consisted only of investment income or income by way of long term capital gain or both. Khali investment income hai, khali long term capital gain hai, ya dono hai. And the tax deductible at source has been deducted from such income. Agar aapki income keval investment income thi ya long term capital gain thi jo is section mein ya chapter mein covered hai aur uske upar jo TDS katna tha wo kat chuka hai, then in that case you are not required to file return of income. Benefit of chapter 12A available even if non-resident Indian becomes resident. मान लीजिए एक NRI 2011 से 2017 तक NRI था.
2018 में ये रेजिडेंट बन गया। अब इशू ये आता है, कैन ही कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय दीज प्रोविजंस, और अगर कर भी सकते हैं तो किस एसेट के रिस्पेक्ट में करेंगे, इज इट ओनली फॉर दिस और अदर्स। वेयर अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन इन एनी प्रीवियस ईयर बिकम्स असेसिबल एज अ रेजिडेंट इन इंडिया, जो NRI था पहले कभी अब रेजिडेंट बन गया, ही मे फर्निश टू द AO, ही मे मतलब ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, अगर चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं चाहो तो मैंडेटरी नहीं। ही मे फर्निश टू द AO अ डिक्लेरेशन इन राइटिंग अलॉन्ग विद हिज रिटर्न ऑफ इनकम टू द इफेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू हिम। ही कैन ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A इवन आफ्टर ही बिकम्स अ रेजिडेंट। इन रिलेशन टू हिज इन्वेस्टमेंट इनकम डिराइव फ्रॉम एनी फॉरन एक्सचेंज एसेट, मतलब फॉर वॉट, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम विच इज गेटिंग फ्रॉम अ फॉरन एक्सचेंज एसेट, एंड इफ ही डज सो, अगर वो ऐसे करते हैं, देन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12 शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू हिम इन रिलेशन टू सच इनकम, विच इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर दैट असेसमेंट ईयर एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर अंटिल द ट्रांसफर और कन्वर्जन इन टू मनी ऑफ सच एसेट। जब आप NRI थे, आपने एक स्पेसिफाइड एसेट खरीद लिया, आप NRI से रेजिडेंट बन गए, इस स्पेसिफाइड एसेट से आपको इंटरेस्ट या जो भी और दूसरी इनकम्स हैं वो आती रही। जब आप रेजिडेंट बन गए, आप चूज कर सकते हो कि ये जो इनकम है ये मुझे अभी भी इसी चैप्टर में टैक्सेबल होती रहे। अगर आप ऐसा करते हो तो अगले सभी सालों के लिए, जब तक आप इसको मनी में कन्वर्ट नहीं करते या ट्रांसफर नहीं करते, तब तक जो इनकम है दैट कैन कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, सो अ चैप्टर नॉट टू अप्लाई इफ द असेसी सो चूजेस। सेक्शन 115I गिव्स एन ऑप्शन टू एन NRI मे इलेक्ट नॉट टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A फॉर एनी असेसमेंट ईयर by furnishing his return of income for that assessment year under section 139। अगर आप चाहते हो कि मुझे इस चैप्टर के प्रोविजन से गवर्न नहीं होना है चैप्टर 12A से, तो आप अपनी रिटर्न में ये फाइल करके 139 में ये डिक्लेयर कर सकते हो, क्या, डिक्लेयरिंग देयर इन दैट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शेल नॉट अप्लाई टू हिम फॉर दैट असेसमेंट ईयर। ही कैन चूज द असेसमेंट ईयर फॉर विच ही wants to be governed by the provision of Chapter 12A. If he chooses not to be governed by those provisions, then those shall not apply. And if he does so, the provision of this chapter shall not apply to him for that assessment year. Us saal nahi lagenge. And this total income for that assessment year shall be computed, and tax on such total income shall be charged in accordance with the other provisions of the Act. Agar aap Chapter 12A ke liye opt nahi karte, aapke normal provision jo Income Tax Act ke hain, उसके हिसाब से इनकम कैलकुलेट होगी और आप उसके हिसाब से टैक्स पे करेंगे।